मोहाली के पिंड बलौंगी विच क्लोरीन गैस रिसन नाल कई लोग बीमार हो गए और इन्हों हस्पताल विच दाखिल करवाना पिया। यह गैस क्लोरीन दे एक गल चुके सिलेंडर विचों लीक हुई जो वाटर वर्क्स दे ट्यूबवैल विच पिया सी। बड़ी हैरानी की गल है कि यह सिलेंडर 2002 तो इस ट्यूबवैल विच पिया सी अते इसका थलड़ा हिस्सा गलन करके यह गैस लीक हुई अते लगभग 50 बंदे इसने बीमार कर दिते। इतों के दो ट्यूबवैल ओपरेटर तो अर्ध बेहोशी की हालत में हस्पताल दाखिल करवाया गया। हैरानी की गल तो यह है कि इन कर्मचारियों के दसन अनुसार इन्होंने बकायदा तौर पर अपने अधिकारियों जेई SDO एक्सियन तक फोन किए पर किसी ने फोन चुकन तक की जहम नहीं उठाई। उत्थे आना तो बड़ी दूर की गल सी। दूजे पासे मजे की गल यह है कि अज जदों सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मौका वेखन आना सी तां यही अधिकारी सारे दे सारे उत्थे हथ बन्नी खड़े सी। गनीमत यह रही कि इस घटना विच कोई जानी नुकसान नहीं होया पर जेकर इस तरह लापरवाहियां चलदियां रहियां तां अजिहा भी हो सकता। अच्छा जी, पहले हमने सोचा कि कोई वैसे स्मेल होएगी, बाद में देखा तो सारे चीखा वगैरह हमारे तो नीचे गए, हम तो थर्ड फ्लोर तक नीचे जाने तक औखा हो गया, हमें वहीं पर वोमिटिंग शुरू होगी, चक्कर आना शुरू हो गया। तो आप कहाँ पर रहते हो? बलौंगी में। बलौंगी में पुलिस थाने के बिल्कुल बैक साइड में। अच्छा, ये वाटर वर्क है वहाँ पर? हाँ जी सर। कितने बंदे वहाँ पर आपके परिवार के अलावा कितने लोग रहते हैं उस इलाके में? सर काफ़ी लोग। काफ़ी लोग? हाँ जी सर। तो इफेक्ट भी काफ़ी लोग हुए हैं? हाँ जी सर। तो आपको यहाँ पर इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था, आप दोबारा आए हो यहाँ पर? हाँ जी सर। क्या हुआ आपको, दोबारा क्या हुआ है? आपके सिस्टर विनोद बोला फटाफट वाल बंद कर लो, वाल बंद करे, विनोद अंदर पानी मर रहा था, उसके बाद में मैं चले आए, मैं भी गिर गया, विनोद भी गिर गया, मैं भाग के इधर भी आया, बाहर भी चोट भी लगी हुई थी मेरे अंगूठे में, वो भी दुख गया, फिर मैं उसके बाद में बाहर आ गया अपना, फिर उसके बाद पानी पुनी भी पिए, फिर भी पलटी भी आई, छत्ता भी दुखने लगा, आँख से आंसू भी चलने लगा और नाक में भी दिक्कत थी। तो अस्पताल गए फिर आप? अस्पताल गए, 6 फेज गए जी। हाँ जी। वहाँ पर टीका भी लाए और उसके बाद में आधा घंटा बैठा के भी रखे, मामले ठीक हो गए, बोले थे जाओ। से कुछ समस्या आ रही थी उस सिलेंडर में? 2-3 दिन से आ रही थी, कुछ पता नहीं लग रहा था किस चीज़ का था, क्या यहाँ पे दवा भी किसी बंदे ने भी मार गया, उससे भी नहीं कुछ पता लगा कि घास घूस भी अपना जल भी गया, मौजूदा आपके अस्पताल वाले भी हैं जी। अच्छा, इसीलिए नहीं पता लगा इसका? अच्छा जी, पता नहीं लगा, बाकी थाने में भी खबर भी दिए, कल भी दिए, बंदे खड़े हुए भी थे, ये भी नहीं आए देखने के लिए यहाँ पर, मैडम के पास भी फ़ोन करें, मैडम फ़ोन नहीं चेक रही है सुमरन कौर, उसके बाद में जय को फ़ोन करें अपना जो है इस टाइम, और बोला मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, और मुड़ के अभी तक नहीं आया, जैसे अभी बात हुआ कि विनोद का सीरियस हो गया, वो चला गया, बल्कि मैं भी गिरने वाला हूँ 10 मिनट के बाद में, मैं भी गिर गया, सरपंच अपना खुद मौजूदा जन पुराना था, उसने अपनी मोटर। बाबा जी सानू दसो भी की होया जी इत्थे जिहड़ी रात घटना हुई है क्लोरीन गैस लीक दी? सर उरे इक टैंक पिया सीगा जिहड़ा दस्सिया जा रहा कि 2001 दा ही पिया सी, उरे भरिया होया, उह थल्लों गल गुल गया सी जिहदे नाल उहदों गैस लीक हो गई ते बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके नाल फैली। फिर साडे थाने दे SHO साहब ते लोकल जिहड़े साडे होर सीगे पुराणी कमेटी दे चेयरमैन भिंदरजीत कौर ते होर सारे छद्दड़ां ने मिल के फिर फायर ब्रिगेड ये वो बुला के ते रस्सा पा के किसी तरीके नाल उहनूं बड़ी जदों जैप नाल गोल दिया सी उहनूं कितों हत्थ भी नहीं पैंदा सीगा ते उहनूं फिर रस्सा पा के खिच के बाहर उत्थे फिर टोए पटा 150 फुट दा रस्सा पा के दूर बंदे ला के ते इहनूं नाग वाल पा के ते उहनूं बाहर लगाए आ, बाहर लिजा के फिर मैनुअल लेबर दे बंदे ला के खड्डा पटाया, उहदे विच पाणी छड्डिया, उहनूं उहदे विच ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਰਾਤ 16 ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 6 ਫੇਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, 6 ਫੇਸ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ, ਰੱਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ECG ਹਾਂਜੀ, ECG ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ 2002 ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿਊਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂ।
पर डिपार्टमेंट ने अपनी एक जिम्मेवारी समझते हुए कि लोगों को पीने वाले पानी की बहुत जरूर सख्त जरूरत हैगी है, उन्होंने इस जिम्मेवारी चुकया भी जो तक पंचायती राज वालों इस गल का फैसला नहीं हो जाता उन जी पानी की सप्लाई निरंतर जारी रहेगी, तो प्लस लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती जाएगी। जोड़ा सिलेंडर 2002 का पिया से इतने ये बड़ी मैं कह सकता भी अणगहली वाला काम हैगा, यदि इनकुआरी होनी चाहिए जेडे बंद सिलेंडर से रखा से क्यों रखा गया की कारण से वो मुड़ के देखो सिलेंडर की कि डेट होंगी है कि डेट एक्सपायरी डेट होंगी है, जो डेट एक्सपायरी तो बाद पे क्यों पै रहा, तो जो डिपार्टमेंट ने भी टेक होगा तो डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं इस गल अपने ध्यान लिया ज इस गलते क्यों नहीं एक्शन लिया कि इन्ना पुराना सिलेंडर क्यों पाया इतने, इस करके नगलीजेंसी है लेकिन कि है इनकुआरी पता लगे सर।